एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक वंस अगेन। की हाल है, ठीक हो ना, खुश हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज का हम जो वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो होगा 80 साल के अब्दुल अंकल हैं, जो कि 80 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो उन्होंने जो है देशभक्ति सॉन्ग गाकर अपने दिल की कुछ बातें हैं जो अपने कंट्री के लिए शो की हैं, एक्सप्रेस की हैं अपनी आवाज़ में। मतलब समझ जाओ कि 80 ईयर्स के अंकल जो हैं, जो कि अपनी एज में तो खड़े भी नहीं हो सकते, मोस्टली तो नहीं खड़े हो सकते, उनमें इतनी नहीं होती है कैपेबिलिटी कि वो अपने आप को कर सकें एक्टिव, लेकिन इस एज में उन्होंने गा कर क्या मैसेज दिया, वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। और बाकी वैसे ही हमने देखा है कि भारत में इस बार तो बड़े ही उम्दा किस्म का, आला किस्म का जो है ना, वो सेलिब्रेशन हुआ है, जिसमें आप देखो मुस्लिम्स हो गए, कश्मीरी हो गए, हिंदू, सिख, ईसाई, मतलब सब लोगों ने मिलकर जो सेलिब्रेशन किया है और मज़ा आ गया। लेकिन छोटे बड़े बुजुर्ग सब लोग इस तरह से सेलिब्रेट करें, मतलब कि टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया। तो चलते हैं अंकल की आवाज़ सुनते हैं, हम क्या गा रहे हैं देशभक्ति सॉन्ग, सो उस पर रिएक्शन देते हैं। सो चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियोज आप लोगों को मिलते रहें। एंड ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी मैंने व्लॉग भी अपलोड कर दिया ऑन साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर, तो जरूर वॉच कीजिएगा, लिंक नीचे कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। सो लेट्स और धर्म का पग पग लगता देना।
Oh my God, guys, 80 years के अब्दुल अंकल जो हैं, उनकी आपने देशभक्ति सॉन्ग सुना, बहुत ज्यादा अच्छा सॉन्ग था, बल्कि उनकी ये लड़खड़ाती हुई आवाज, क्योंकि 80 years की आपको पता है कि आवाज कैसे हो जाती है। मुझे तो लता मंगेशकर जी याद आ गई जब उनकी आवाज जो है ना, वो मतलब कि हालांकि वो फिर भी उस एज में भी आके उन्होंने बहुत अच्छा से गाया, लेजेंड थी यार वो तो। लेकिन यहाँ पे अगर हम अब्दुल अंकल की बात करें तो उन्होंने जो काम करके, मतलब कि अपने दिल की अल्फाज जो है अपनी कंट्री के लिए दिखाए हैं देशभक्ति गाना गाकर, तो मैं समझती हूँ कि 80 ईयर्स में यार एक इंसान बोल नहीं सकता इतना सही से प्रॉपरली, और उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने आप को, मतलब इतना एक्टिव नहीं होता। वैसे सारे नहीं होते, मोस्टली बहुत सारे लोग एक्टिव भी होते हैं जो अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, उनका खाने पीने का सिस्टम अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना वीक होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनकी बॉडी जो है ना वो उस तरह की नहीं रहती। तो ये अगर अब्दुल अंकल की बात कर लें तो आपने देखा किस तरह से वो खड़े हो रहे थे, वक्फे वक्फे से बैठने की कोशिश कर रहे थे, मतलब वो थक चुके थे। तो इस तरह से ये देखकर मुझे आइडिया हुआ कि अब्दुल अंकल जो है उन्होंने अपना ये देशभक्ति सॉन्ग गाकर अपनी कंट्री के लिए जो प्यार है वो दिखाया कि मतलब कि वो अपनी देश के लिए कितना प्यार करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा हर किसी का अपना तरीका होता है, बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, छोटे बड़े, हर कोई यहाँ पर जो है ना देशभक्ति सॉन्ग गाकर अपनी कंट्री को जो है एक मतलब प्राउड फील कराने की कोशिश करता है और खुद को प्राउड फील कराता है कि ये देश हमारा है और हम गुलस्तां इसके। तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने भी गाया कि देश हमारा, ये भारत हमारा। और जो अब्दुल अंकल हैं उन्होंने अपनी आवाज़ में ये गाकर सीरियसली गूज़बम दे दिया, दिल को छू गया सॉन्ग, क्योंकि इतना अच्छा सॉन्ग, लिरिक्स उसके इतने अच्छे, ऊपर से जिस आवाज, मतलब आवाज में ही गाया गया है, आप सोचेंगे उस आवाज को सुनकर लोगों को कितना अच्छा फील हुआ होगा। कि इस बार मैंने देखा है कि 15 अगस्त में बुजुर्ग हो गए, बड़े हो गए, छोटे हो गए, सब ने मिलकर बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया। मतलब हर बार लोग करते ही हैं, डिफरेंट ही होता है, इस बार तो बहुत ही ज्यादा आला किस्म का हुआ है। मतलब कि इस बार आपने देखा कि ना सिर्फ भारत ने बल्कि पूरी दुनिया ने भारत के परचम को लहराया, भले वो आसमान पे हो, भले वो जमीन पे हो, ठीक है, भले वो आपको पहाड़ों में नजर आ रहा हो, भले वो आपको अंग्रेजों की और चाइनीज ने तो खैर नहीं, अंग्रेजों की जो है वो कंट्रीज में, इटली में स्पेशली कितना जबरदस्त शो किया इन्होंने। तो ये एक भारत की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, बेस्ट पॉलिसी है, जो कि फॉरेन पॉलिसी जिससे जो है वो भारत का एक अच्छा रिलेशन जो है वो सबसे बना हुआ है। तो लोगों ने सेलिब्रेट किया, कभी मैंने नहीं देखा कि इस तरह से एक कंट्री के लिए किस पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन हो रही हो, और ये एक और वो भी सबसे पावरफुल कंट्रीज की तरफ से। तो बहुत ही ज़बरदस्त लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, यकीनन आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। और सीरियसली दिल से सलाम करती हूँ इन अंकल को और सैल्यूट करती हूँ कि वाकई में यार इन्होंने क्या कमाल का गाया है इस एज में, इस लड़खड़ाती हुई आवाज़ में खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी देशभक्ति सॉन्ग को खड़े होकर ही गाया जाता है ना, तो अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। बाकी चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। एंड मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है 14 अगस्त का, तो पाकिस्तान में किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है 14 अगस्त, तो वो आप ज़रूर देख पाएंगे मेरे व्लॉग चैनल पर। उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, सो आप वहाँ से देख सकेंगे। लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट वीडियो पर चले जाएंगे। और हाँ, चैनल का नाम है साइमा पिज़्ज़ा द व्लॉग चैनल।
सो आप वहाँ पर भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.